खाना पीना तो हो गया, अब एक जरूरी काम है जो मतलब कोशिश करने को जाए ताकि ये काम भी सीख लिया जाए, वो है तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉग चालू करने में लेट हो गया क्योंकि अभी मैं आया हूँ कॉलेज और दोस्तों का ऐसे गैदरिंग था तो मैं आ गया। तो अब यहाँ से जा रहा हूँ बैंक क्योंकि बैंक वालों ने फिर से हमारा छोड़ो नहीं बोलना तो चलना है बैंक, और बैंक में कुछ काम है बैंक से, फिर वो काम करवाना है। क्या दिल दिया 10 मिनट का काम है, इमरजेंसी है बहुत। फाइनली बैंक से तो आ गया बट कुछ इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, अब मेल करके देखना पड़ेगा। तो चलो घर चलते हैं। तो फाइनली सो के उठ चुका हूँ और शाम हो चुकी है और अब बारी है कुछ खाने की। तो माता श्री ने, जब तक मैं बैठ के फ़ोन चला रहा था उतने देर में हमारे लिए बना दिया मैगी। और मैगी जो है ये तो मम्मी जब बनाती हैं तो बहुत सही, मतलब बहुत लाजवाब बनता है। चलो खाते हैं इसे, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ठंड है तो घर से बाहर रूम से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। तो अभी खाना बनने का टाइम है और खाने में आज सबने कुछ ना कुछ मैगी खाया था तो मैगी से थोड़ा बहुत तो पेट भर ही गया था, और जो बचा खुचा पेट भरने का प्लान है वो माता श्री बना रही हैं। माता श्री देखो क्या बना रही हैं, ये देखो ये बन रहे हैं प्याज के पकौड़े, वो भी माता श्री बना रही है तो एक नंबर तो बनेगा ही। यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो रही है फिर तेल डाल के। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है हमारा प्याज के पकौड़े जो माता सिंह ने बनाए, और ये मैं, मेरा थोड़ा गंदा है लेकिन फिर भी ये है हमारे भाई साहब। अब इसे खाते हैं क्योंकि प्याज के पकौड़े में तो मतलब मज़ा आ जाता है, इसके साथ चाय मिल जाए तो इससे बेस्ट कॉम्बो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसको खाते हैं उसके बाद फिर बाकी। एक चीज़ और है इसके साथ हमारे पास जो कि है, खुल जा भाई, ये देखो इमली की चटनी। तो मतलब इमली की चटनी वो भी प्याज के पकौड़े के साथ, उफ मज़ा आ जाता है। तो चलो खाते हैं इसे, मतलब इमली की चटनी वो भी प्याज के पकौड़े के साथ, उफ मज़ा आ जाता है। तो चलो खाते हैं इसे। तो खाना पीना तो हो गया, अब एक ज़रूरी काम है जो मतलब कोशिश करने को जाए ताकि ये काम भी सीख लिया जाए, वो है इन महाशय को सॉल्व करना। मतलब इनको सॉल्व करने में, मतलब एक लेयर दो लेयर सॉल्व करने में मेरी पूरी बुद्धि की बैंड बज जा रही है कसम से, इतना हार्ड है इसको सॉल्व करना। ट्रिक्स मैंने ट्राई किए बट ट्रिक्स से हुआ नहीं, तो फिर से चलते हैं इसको ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद ये एक लेयर सॉल्व हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा है, दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं हो रहा है, तो इसकी ट्रिक क्या है ये देखना पड़ेगा फिर से। तो इसको बाद में देखेंगे सारा, ये सर में दर्द हो जाता है इसको सॉल्व करने में। तो बस इतना ही था, सोच रहा हूँ, कुछ प्लानिंग कर रहा था कि किस टाइप के कंटेंट बनाए थे। अभी तो मैं जा रहा हूँ भाई के पास जाऊँगा तो वो कंटेंट, वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे तो उसका कंटेंट होगा। तो अब उस कंटेंट में कुछ नया देखते हैं, आएगा मुझे कुछ नया कंटेंट आएगा, अभी तो नींद आ रही है। तो बस इतना ही था ब्लॉग में। अगर आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना से करना शेयर करो यार, मतलब बरसा दो प्यार। इतने सारे ब्लॉग हो चुके हैं, अप्रोक्स 304 होने वाले हैं, 304 ब्लॉग हो गए, तुम लोग प्यार नहीं देते हो, मतलब दे दो यार, 304 हो गए तो कम से कम 3000 ही सब्सक्राइबर कर दो, नहीं तो 300 ही कर दो 100 या 1000 कर दो, प्यार बरसाओ। तो फिर मिलते किसी नए ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।